से जुड़े से विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आपको पीछे वाले वीडियो में जीव विज्ञान के अंतर्गत श्वसन में मनुष्य के फेफड़ा का श्वसन तंत्र के बारे में बताया गया था। मनुष्य के अलावे कई एक प्रकार के जीव एवं उसके समूह के बारे में नाम और उसका श्वसन अंग के बारे में बताया गया था। आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे श्वास लेने और श्वास छोड़ने की क्रिया किस प्रकार होती है और अंतर इसमें पढ़ेंगे, श्वास लेने और छोड़ने में समझेंगे और फिर दोनों में अंतर बताएंगे और फिर मनुष्य में जो फेफड़ा परिवर्तनशील आयतन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। कहने का मतलब है कि मनुष्य में जो फेफड़े हैं वह आयतन के दृष्टि से अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। उसके अंदर हवा जो भरी रहती है, गैस जो होती है, उसके दृष्टि से अलग अलग नाम से उसे पुकारा जाता है। इसके बाद हम लोग को मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान, मनुष्य में गैसीय परिवहन, इतना के बाद मुख्य थ्योरी जैव प्रकर्म के अंतर्गत श्वसन भाग में लगभग खत्म हो जाता है। तो आइए विद्यार्थी हम लोग इन सभी के बारे में जानते हैं। श्वास लेने, सभी जानते हैं कि श्वास जब हम खींचते हैं लेते हैं, खींचना मतलब लेना, तो लेने के समय जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऐसे वायु तो कहते हैं और आप जानते हैं कि वायुमंडल के वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20 से 21 प्रतिशत है। उस ऑक्सीजन जब हम श्वास के रूप में खींचते हैं तो खींचने को श्वास लेना कहते हैं। यह नासिका छिद्र से होते हुए एक जोड़ी नासिका छिद्र होती है, इसके अंदर रेंदार उपकलाएं होती है रोई की तरह, जिसका दो काम होता है। पहला काम है वायुमंडल के धूल कणों को छानना और दूसरा काम है किसी भी प्रकार के सुगंध और दुर्गंध की जांच करना। नाक के अंदर, नासिका के अंदर जो रेंदार उपकलाएं हैं और फिर यह धीरे धीरे ऊपर से मुख गुहा के स्थिर वाली जबड़ा में फैरिक्स के पास खुलती है। यह श्वसन नली के माध्यम से जो हवा खींची जाती है, तो वह फेफड़े के आपने सुना होगा और अपने शरीर के अंदर महसूस करते हैं कि यह फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और यह सिकुड़ता है। लेकिन याद रहे, ये अपने से फैलता और सिकुड़ता नहीं है। फेफड़ा न तो अपने से फैलती है न तो अपने से सिकुड़ती है। इसको फैलाने और सिकुड़ाने का काम 12 जोड़ी पसलियां करता है, डायफॉर्म की मदद से। पसलियां और डायफॉर्म की मदद से यह फैलती है और सिकुड़ती है। यह इस भाग को आप दबाते हैं तो कुछ महसूस करते हैं। ये हड्डियां, इसको पसलियां कहते हैं। 6 जोड़ी इस तरफ होती है और 6 जोड़ी इस तरफ होती है, दोनों तरफ मिला करके 12 जोड़ी पसलियां होती है, जो एक पिंजरे की तरह बना होता है। एक पिंजरे की तरह बना होता है। इस पिंजरे के अंदर, आप पिंजरा जब मैंने बोला तो आपको पता होगा, बहुत ऐसे लोग हैं जो तोता कई प्रकार के पक्षियों को पालते हैं, तो चारों तरफ से पिंजरा घिरा रहता है और उसके अंदर पक्षी होती है कैद। ठीक उसी प्रकार से 12 जोड़ी पसलियों के अंदर ये फेफड़ा कैद स्थित है। जब पसलियां डायफॉर्म खिसकती है आगे और पीछे, आगे और पीछे, मैं बता रहा हूं कब आगे और कब पीछे खिसकती है, तब फेफड़े के आंशिक दाब
बढ़ता और घटता है, बढ़ता और घटता है। जब श्वास खींची जाते हैं तो देखते होंगे फैल रहा है, इसका मतलब आयतन बढ़ रहा। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो घटता सिकुड़ता है, कहने का मतलब आयतन घटता है। जब आयतन घटेगा तो दाब बढ़ेगा, यानी छोड़ने के समय दाब बढ़ता है, आयतन घटता है, लेने के क्रम में आयतन बढ़ता है, दाब घटता है। तो इस प्रकार से ये 12 जोड़ी पसलियां और डाइफॉर्म, ये नीचे वाला भाग जहां से हम लोग दबाना शुरू करते हैं और आपको खाली जगह मिलती है, किसी भी प्रकार की हड्डियां महसूस नहीं करता है, उसके नीचे वाले भाग डाइफॉर्म कहलाता है, डाइफॉर्म कहलाता है, यह पीछे से आगे और फिर आगे से पीछे खिसकता है। इस क्रिया को श्वास लेना और श्वास छोड़ने की क्रिया कहते हैं। आप याद रहे मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां होती है। फेफड़े की आयतन किसके मदद से बढ़ती है और घटती है, बदलती है, तो डायफार्म और पसलियों की मदद से फैलती है। मनुष्य के फेफड़े की जो महत्तम आयतन होती है, फेफड़ा के अंदर अधिक से अधिक हवा 6 लीटर हो सकता है, अधिकतम 5.4 लीटर से 6 लीटर अधिकतम, यानी 5400 ml से 6000 ml हो सकता है। यह महत्तम है फेफड़े की महत्तम आयतन। लेकिन फेफड़े के अंदर 3 लीटर हवा संरक्षित जमा रहता है, संरक्षित जमा रहता है सदैव। और हम लोग जो समान अवस्था में श्वास लेते और छोड़ते हैं, क्योंकि प्रति मिनट धड़कने जो धड़कती है 72 से 75 बार, तो हम लोग जो श्वास लेते और छोड़ते हैं उसमें लगभग 0.5 लीटर यानी 500 ml, 500 ml गैसीय आदान और प्रवाह लेते हैं और छोड़ते हैं। यानी हम लोग श्वास जब खींचते हैं और छोड़ते हैं समान अवस्था में, तो 500 ml वायुमंडल के गैस अर्थात ऑक्सीजन शरीर के अंदर फेफड़े में प्रवेश करता है, और जब छोड़ते हैं तब 0.5 लीटर सेम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। तो जित 0.5 लीटर जाना और आना ये लहरी आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? लहरी आयतन। और जो 3 लीटर थी संरक्षित कहलाता है। जब खूब दम लगा करके खींचते हैं, खूब दम लगा करके, तब आप 2 लीटर एक्स्ट्रा, 3 के बाद 2 लीटर एक्स्ट्रा गैस को खींच सकते हैं, 2 लीटर से ज्यादा। ये आपके शरीर के अंदर जाके संरक्षित हुआ, इसलिए इसको संरक्षित आयतन कहते हैं। याद रहे कि जब खूब दम लगा करके खींची जाती है तो 2 लीटर हवा गैस ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है, इसे संरक्षित आयतन कहते हैं। और जब खूब दम लगा करके फूका जाता है, कभी कलाल अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, जब खूब दम लगा करके फूकते हैं निकालते हैं तो 1.5 लीटर निकाल पाइएगा। खूब दम लगा के खींचेंगे तो 2 लीटर और निकालेंगे तो 1.5 लीटर।
इसको निश्वसन आयतन कहा जाता है। और एक होता है जैविक क्षमता 3.8 से यानी 3800 ml और 4000 ml ml जब फेफड़े के अंदर खूब दम लगा करके खींचना छोड़ने के क्रम में होती है तो उसे जैविक क्षमता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैविक क्षमता। आप कीजिए, मनुष्य के फेफड़े की महत्तम आयतन 5400 ml से 6000 ml या 5.4 लीटर से 6 लीटर होती है। मनुष्य के शरीर के अंदर फेफड़े में 3 लीटर हवा संरक्षित रहती है। समान अवस्था में श्वास लेने और छोड़ने के क्रम में 0.5 लीटर निकलता और बाहर जाता है। खूब प्रयास के बाद खींचेंगे तो 2 लीटर और खूब प्रयास के बाद छोड़ेंगे तो 1.5 लीटर। और जैविक क्षमता का मान होता है 3800 ml यानी 3.8 लीटर से 4 लीटर तक होता है। याद रहे विद्यार्थी, तो ये सब सारी बातों को मैं लिखाता हूं और इसके बाद आगे बताता हूं। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने सांस लेने एवं सांस छोड़ने की क्रिया में अंतर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया है। पहला है, इस क्रिया में वायुमंडल का वायु को खींचा जाता है जबकि इस क्रिया में वायुमंडल में CO2 को छोड़ा जाता है। दूसरा अंतर, इस क्रिया में फेफड़ा का आयतन बढ़ता है चूंकि हवा अंदर जाती है तो फेफड़ा का आयतन बढ़ता है और इसे निकलती है इसलिए इसका आयतन क्या होता है? घटता है। जब आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। इसलिए इसमें फेफड़ा का दाब क्या होता है? घटता। और इसमें फेफड़ा का दाब बढ़ता है। और विद्यार्थी बताए कि फेफड़ा स्वयं फैलता सिकुड़ता नहीं है, ये डायफ्राम की मदद से फैलता है और सिकुड़ता। देखिए, इस क्रिया में डायफ्राम जो होता है पीछे खिसकता है, आगे से पीछे की ओर, आगे से पीछे की ओर खिसकता है जबकि इस क्रिया में पीछे से आगे खिसकता। तो ये रहा विद्यार्थी श्वास लेने और श्वास छोड़ने में अंतर। अब हम लोग परिवर्तनशील फेफड़े के आयतन लिखते हैं, वातुलघुतर ये टाइप पर होगा। देखिए देखिए विद्यार्थी, आपके सामने मनुष्य के परिवर्तनशील फेफड़ों के आयतनों के बारे में लिखा गया है। जब फेफड़ा का आयतन लगभग 3 लीटर होता है तो उसे क्रियाशील अवशिष्ट आयतन कहा जाता है। आपके सामने कलर को बदल दिया गया है जो इसका परिभाषा में लिखा गया है। समान श्वसन के समय, मतलब हम लोग किसी भी अवस्था में हो और श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो 0.5 लीटर हवा खींची जाती है और 0.5 लीटर हवा छोड़ी जाती है जिसे लहरी आयतन कहा जाता है। मैंने पीछे भी आपको थ्योरी में बताए हैं, जब खूब प्रयास किया जाए, दम लगाया जाए और सांस को खींची जाए यानी ली जाती है तो 2 लीटर अतिरिक्त हवा प्रवेश करता है फेफड़े में जिसे अंतर श्वसन का संरक्षित आयतन, इसी को संक्षेप में संरक्षित आयतन भी कहते हैं। जब 2 लीटर हवा अंदर की ओर अतिरिक्त प्रवेश करेगा तब, जब छोड़ा जाए और छोड़ने के बाद 1.5 लीटर बाहर आती है तो उसे निश्वसन आयतन कहते हैं। 1.5 लीटर बाहर जाएगा, निकलेगा, निष्कासित होगा तभी निश्वसन आयतन कहते हैं। और आपको बताएं मनुष्य के फेफड़े, नोट पॉइंट में बदली दिए कि मनुष्य के फेफड़े का महत्तम आयतन जो होता है 5.4 लीटर, लीटर में देंगे तो 5.4 लीटर से 6 लीटर होती है, या ml में देंगे तो 5400 इसको बना देंगे, 5400 से 6000 ml होता है। यानी लीटर में जब बोलेंगे विद्यार्थी तो 5.4 लीटर से 6 लीटर, और ml में बोलेंगे तो 5400 ml से 6000 ml होता है। और जब फेफड़े में इतना आयतन होता है 3.8 लीटर से 4.0 लीटर हवा होती है तो उसी को मनुष्य की जैविक क्षमता कहते हैं। यानी मनुष्य की जैविक क्षमता का मान होता है 3.8, यानी इसी को 38 ml बोलिए और ये 4000 ml बोलिए। लीटर में बोलेंगे तो ये, ml में बोलेंगे तो इसको 38 और इसको 4000। तो ये रहा
आपके इस वीडियो में। अब आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टेड है, ध्यान से देखिए विद्यार्थी। आप लोग को बायोलॉजी के अंत में फिजिक्स का अति लघुतरीय दिया जा रहा है और ये प्रत्येक पीछे वाले वीडियो में दिया गया है। आप सीरियल नंबर याद रखेंगे, प्रत्येक में शुरू से ही नंबर दिया जाता है। आज आपका इस वीडियो में 31 से शुरू हुआ है, जिसका पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आपतित किरण लंबवत हो तो परावर्तित किरण उसी रास्ते से हो जाती है, मतलब जिस रास्ते पर आती है, जिस किरण से आती है उसी किरण पर लौट जाती है, तब कहा जाता है आपतन कोण का मान क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 0। ये मत समझेंगे कि 90 डिग्री, क्योंकि आपतित और परावर्तित दोनों के बीच अभिलंब रेखा नहीं होती है, इसलिए इसका मान 0 डिग्री हुआ। प्रकाश के परकिरणन में प्रकाश के ऊर्जा में कौन सा परिवर्तन होता है, ऊर्जा नष्ट होता अवशोषित होती है यानी अवशोषण। इसके बाद किरणों के समूह को क्या कहते हैं, 3 नाम से पुकारा जाता है, किरण कोण, किरणमाला, प्रकाश कोण। अगला, इसमें पारभासी पदार्थ कौन है यानी अल्प पारदर्शी कौन होगा, हवा, घना धुआं, पेंट, इनमें कोई नहीं। तो हवा पारदर्शी है, घना धुआं पारभासी है, पेंट अपारदर्शी है, तो आंसर हुआ घना धुआं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है, उत्तल और अवतल बताया गया था। प्रकाश के प्रवर्तन का दूसरा नियम को संक्षेप में लिखना है। आपको बताया गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। समतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर रखा गया वस्तु को, तो उसका पीछे भी उतनी बनेगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि वस्तु हो तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से दर्पण की दूरी पूछी जाती तो 10, या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछी जाती तो 10, लेकिन प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी पूछा जा रहा तो 10 और 10 20 हो जाएगा। तो ये था, अब आगे देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 39, कौन प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब को। समतल दर्पण के आवर्धन का मान क्या होगा यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो चूंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी उतनी होगा, 5 ही होगा, तो 5/5 कट के आएगा कितना, 1। देखिए मैं इसको यहां बगल में लिख देता हूं, m बराबर -v/u, और दोनों बराबर होता है समतल दर्पण में u और v। प्रकाश के किरण फोकस से आती है तो परावर्तन कहाँ होती है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर। अवतल दर्पण से रोगी को देखने के लिए रोगी को कहाँ रखना है, तो फोकस के अंदर, क्योंकि सीधा बड़ा दिखता है, इसलिए रोगी को जब भी रखना है तो फोकस के अंदर रखना है। बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण, क्योंकि उससे जो प्रकाश की किरण टकरा करके निकलती है वो अपसरित हो जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण अधिक से अधिक क्षेत्र प्रकाशित होता है। प्रधान अक्ष के ऊपर की चिन्ह जो होती है, दूरी चिन्ह, ये आपको चिन्ह परिपाटी में बताया गया, तो प्रधान अक्ष के ऊपर वाला जो होता है धनात्मक, और प्रधान अक्ष के नीचे वाला होता है ऋणात्मक। तो ये आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन हुआ पूरा, आगे के वीडियो में अंत में दिया जाएगा 15 क्वेश्चन। ये प्रत्येक दिन साइंस के अंत में, अभी आपको बायोलॉजी चल रहा है तो दिया जाएगा फिजिक्स, जब फिजिक्स चलेगा तो केमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री चलेगा तो बायोलॉजी, इस प्रकार से प्रत्येक वीडियो के अंत में आपको 15
अति लघुतर ये क्वेश्चन इसी प्रकार से देते जाएगा, आप इसको याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा। इसमें जो 120 क्वेश्चन का सेट है, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर का एक सेट पूरा होगा। और ये आपको हर हालत में याद कीजिएगा, मेरा प्रयास और विश्वास दोनों है कि इस 120 क्वेश्चन से यदि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस 120 क्वेश्चन के अंदर ही होगा। यदि बाहर रहा तो आपका किस्मत नहीं, मेरा किस्मत खराब है। इसलिए 120 आप हर हालात में, तोता का ओठ जिस प्रकार से लाल होता है उसी प्रकार से आद करके अपने ओठों को लाल कर लें, इतना रटें। चाहे इसको आप रटें या थ्योरी के माध्यम से याद रखें या समझे, किसी प्रकार से आपके ब्रेन के अंदर यह होना चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद।